तो वेलकम करता हूं मैं महेश तिवारी आपके अपने फेवरेट चैनल शिक्षा एकेडमी पर। आपको आने वाले कुछ मिनट तक जुड़े रहना है और फिर देखिए एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनमें से एक है प्रोनाउन। जी हाँ, स्कूल टाइम पे हमें बाकी कई प्रकार का कंफ्यूजन रहता था कि प्रोनाउन में हम बोर्ड फील करते हैं या हम भूल जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको अगले कुछ मिनट तक बस ऐसे बैठ जाना है। मान लो आपके हाथ में पॉपकॉर्न है और आप एक मूवी देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि अब आप ही देख लीजिए, जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद ही कह देंगे कि हाँ मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो चलते हैं प्रोनाउन की ओर। इसके पहले अगर आपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, लिंक मिल जाएगी आपको, पुराना वीडियो जो आपको देखना ही है वो है नाउन का, यदि आप नहीं देखा है तो, क्योंकि मेरे हाथ में दी है ये पेन तो ये नाउन है। और पेन को मैं द्वारा पेन ना बोलूं, मतलब मैं आपका नाम राम है तो मैं द्वारा राम ना लूं, नाम ना लूं आपका, तो उसकी रिपीटेशन को बचने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो होती है प्रोनाउन। आपने सुना होगा स्कूल में प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। तो जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं, नाम सर्वनाम, सभी का नाम सर्वनाम। जैसे मैंने कहा राम, तो केवल राम मेरे पास आएगा, राम मेरी बात सुनेगा, लेकिन यदि मैं राम की जगह ही लगा दूं तो ही सारे लड़कों के लिए हो गया, शी सारी गर्ल्स के लिए हो गया। तो पेपर में कैसे आते हैं हम ये भी जानेंगे, फिलहाल में हम उनके प्रकार सहित प्रोनाउन को समझेंगे करीब से। आइए मेरे साथ चलते हैं प्रोनाउन के पास और देखते हैं ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता और ऐसा क्या है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रोनाउन नाम से समझ में आ रहा है, नाउन। जी हां, जो नाउन की जगह पर आए वो होते हैं प्रोनाउन। हिंदी बड़ी प्यारी है इसकी, सर्वनाम। क्या होती है हिंदी इसकी? सर्वनाम। जी हां, अब देखिए रिपीटेशन, शब्द एक नाउन है, मैंने बताया था पिछली बार एप्लीकेशन वगैरह, तो रिपीटेशन से बचने के लिए जिसको हम प्रयोग करते हैं वो होती है प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार तो आप पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, अभी आप देखेंगे प्रोनाउन के प्रकार। पहला है पर्सनल। अरे भाई आप खुद को क्या बोलोगे? आई बोलोगे ना, मैं खुद को क्या बोलूंगा? आई, राइट। तो पर्सनली राम खुद को क्या बोलेगा? आई। तो आई है पर्सनल प्रोनाउन। हम खुद को क्या बोलेंगे? वी। तो वी है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। मैं आपको क्या बोलूंगा? यू। आप मुझे क्या बोलोगे? यू। ये भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। लड़के को हम क्या बोलेंगे? ही। लड़की को क्या बोलेंगे? शी, राइट। उन्हें क्या बोलेंगे हम? दे। तो दे का होता है देम, उन्हें या उनको। आपने सुना होगा मूवी में अरेस्ट हिम, उसे गिरफ्तार कर लो। किसको? लड़के को। अरेस्ट हर, हर मतलब लड़की को क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो, या फॉलो हर उसका पीछा करो, या डोंट फॉलो हर उसका पीछा मत करो। तो ये वो वर्ड है। अस, आपने सुना होगा आई का मी, लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, फॉलो मी, राइट, मी, मुझे या मुझको। और वी का होता है अस। लेट्स गो, टीवी में एड भी आती है मारुति सुजुकी, लेट्स गो ऐसे करके, तो अस। तो वी का हो गया अस, आई का हो गया मी, राइट, यू का यू रहेगा, ही का हो गया हिम। ये प्रोनाउन है। तो ये जो आगे है जो मैंने सर्कल बनाया है पहला वाला, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, राइट, सब्जेक्ट के रूप में। तो ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, ऐसे बनेंगे। और अगर गलती से किसी सेंटेंस में मी आगे आ गया तो आप समझ जाना कि वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है और लास्ट में आएंगे, मतलब सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से तो खत्म होगा ऑब्जेक्ट पर, मतलब वीडियो शुरू होता है थंबनेल से तो खत्म होता है शेयर सब्सक्राइब लाइक और कमेंट पर। तो ऑब्जेक्ट लास्ट में और सब्जेक्ट शुरू में, तो आई सब्जेक्ट लास्ट में, मी लास्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, वी स्टार्टिंग में, अस लास्ट में, यू बोलिए स्टार्टिंग में, और यू का यू होगा वो भी लास्ट में, लेकिन ही स्मॉल की जगह क्या हो जाएगा लास्ट में, सॉरी लास्ट में स्टार्टिंग में कैपिटल, तो लास्ट में स्मॉल हो जाएगा। ही का, हिम, शी का, हर ऐसे रहेगा। आइए चलते हैं अगले के, पजेसिव प्रोनाउन। देखिए पर्सनल में तो आपने पर्सनली बात करी खुद की, आई ने आई की कर ली, लड़के ने ही की कर ली, गर्ल के लिए शी आ गया, उनके लिए दे आ गया, तुम्हारे लिए यू आ गया। लेकिन पजेसिव में क्या होगा? इनका अधिकार। जी हां, आपने कहा दिस इज माइन, ये मेरा है, आर्स हमारा, इट्स आर्स, योर्स आपका, हिज उसका, हिज नेम क्या है, व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम क्या है, दैट प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो ये उनका, उनके, उनकी, क के की, मेरा, मेरे, मेरी, ऐसे ऐसे ही का के की, तो ये बताते हैं। तो ये होंगे पजेसिव प्रोनाउन, ये उनका अधिकार बताएंगे। क्या बताएंगे? अधिकार, वेरी गुड। फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। इंग्लिश की सबसे अच्छी बात क्या है? जिन वर्ड्स को आप सीखना चाहते हैं उनको बार बार बोलिए, तो
ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स आपके ब्रेन में सेट हो जाते हैं और आप बार बार सुनने से वो आपको इजी लगते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत वाचक, हम जब डिमॉन्स्ट्रेट में डेमो देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा दिस इज माई पैन एंड दैट इज योर पैन, तो दिस क्या हो गया, यह है, दैट क्या हो गया, वह, तो मैं ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं। गाड़ी में होता है इंडिकेटर, लेफ्ट में जला तो लेफ्ट में जाओगे आप, अगर राइट वाला क्लिक हो रहा है तो आप राइट में जाओगे, संकेत करते हैं ना। वैसे ही दिस में यहां के लिए संकेत, पास के लिए, और दैट में दूर के लिए संकेत। और अगर वो सिंगुलर की जगह प्लूरल नंबर हो तो दैट दिस का दीज हो जाएगा, मतलब ये मेरे पेन है तो दीज आ गया, और वो मेरे पेन है ज्यादा है तो दैट का दोज। क्या रोज नहीं, दोज, रोज तो आपको वीडियोस मिलेंगे जी, तो दोज वे और दीज ये, ध्यान रखना है दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है, और ये प्रोनाउन है क्योंकि किसी के नाम नहीं है, सरनेम नहीं है, स्थान व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, उनकी जगह पर आए हैं, इसीलिए ये प्रोनाउन है। चाहे वहां पर मैंगो हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई भी हो, वे शहर, शहरों के नाम नहीं बताए मैंने, शहर के नाम की रिपीटेशन की जगह है, मैंने बताया है कि वे आए हैं, मतलब प्रोनाउन है। अब है नेक्स्ट फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में बांटना होता है, एक होता है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो बांटता है, ये आप लो, ये आप लो, ये आप लो, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ईच, जैसे प्रत्येक, तो मैंने बोला मेरे प्रत्येक सब्सक्राइबर से, मेरे प्रत्येक स्टूडेंट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आइदर, मेरे हाथ में, आई मीन मेरे दो हाथ हैं, मैं चाहूं तो इससे लिख लूं, चाहो तो इससे लिख लूं, आइदर मतलब या तो ये या फिर ये, ना इधर, ना तो इससे मिटाऊंगा मैं और ना इससे मिटाऊंगा, ना इधर। एवरी, प्रत्येक, एवरीबडी, प्रत्येक आदमी, ईच एंड एवरी वन, सुना होगा आपने बहुत, और नन, नन मतलब कोई नहीं, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये लास्ट ऑप्शन होता है, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, तो ये नन क्या कर रहा है, बांट रहा है। एक क्वेश्चन आया प्रोनाउन का, उसको पांच पार्ट में डिवाइड है और लास्ट में तो लिखा रहता है नो एरर, तो वो आंसर हो गया, या फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, राइट, नन ऑफ अबव, उनमें से कोई नहीं, तो ये क्या करता है, बांट रहा है, ये तो मैं काट रहा हूं, आपको बांटना है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ऐसे बांटना है, राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब इनमें ना ज्यादा मायने नहीं लगाना, बस एक बार मूवी की तरह देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, ये बांट रहा है, ये संकेत करेगा, दिस दैट कर रहा है, ओके, ये उसका अधिकार बताएगा, अच्छा ये पर्सनली ही की बात करेगा, शी की बात करेगा, ऐसे आप हाथ में पेन लेके बैठ कर दोस्तों के बीच में गपशप करते हुए चौपाटी पर बैठकर आप चर्चा कर सकते हैं यार, यही तो शिक्षा अकेडमी की खासियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंध, आपस में संबंध, जब किसी का बर्थडे विश होता है, बर्थडे विश करते हो, आप हैप्पी बर्थडे बोलोगे, और अगर उसकी आप शादी है, भाई दोनों बैठे हुए स्टेज पर, दूल्हा दुल्हन ब्राइड ग्रुप, अब आपको क्या बोलोगे, मेड फॉर ईच अदर, वो बने हम दूजे के लिए, अच्छा आपने गाना सुना होगा हम बने तुम बने, चलिए ठीक है वो मान लेते हैं, तो ईच अदर आएगा यहां पर, क्या आएगा, ईच मतलब प्रत्येक, ईच पहले था, कंफ्यूज नहीं होना, डिस्ट्रीब्यूटिव में तब बांटने का काम था, एक एक को, एक एक मेहमान को, एक एक सब्सक्राइबर को अच्छी चीज मिलनी चाहिए, लेकिन रेसिप्रोकल में पारस्परिक संबंध बताते हैं, ईच अदर, दो लोग आपस में, वन एनदर मतलब तीन चार लोग हैं, तीन या तीन से अधिक लोग हैं, तो वन एनदर आएगा, सारे मेहमान एक दूसरे से बात करते हैं शादी, पता है, तो वन एनदर आएगा, एक सब्सक्राइबर कमेंट, बाकी सब्सक्राइबर भी देखते हैं, तो वन एनदर आएगा, लेकिन आप और मैं दो पार्ट हैं, तो ईच अदर आएगा, क्या आएगा, ईच अदर। तो ये आपने 5 पॉइंट जाने प्रोनाउन के, राइट। तो पांचवें पॉइंट में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में आपको थोड़ा रिवाइज करना है, ईच अदर, पेन और कैप बने ही ईच अदर के लिए, एक दूसरे के लिए, और वन एनदर, पेन है, कैफ है, ये सारी चीजें मिली हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स वर्ड काफी फेमस है, रिफ्लेक्स करते हैं, मैं यहां से कुछ बोलता हूं, आप वहां से कुछ रिप्लाई करते हैं, निजवाचक भी बात होती है इसकी, अलग अलग मीनिंग है, माई सेल्फ मतलब मैं खुद से, आर सेल्फ, अवर सेल्फ में एफ की जगह भी ई एस करते हैं, आपने अभी मैंने बताया था थीफ का थीफ्स होता है, वाइफ का वाइफ्स होता है, वैसे ही अवर सेल्फ में बहुवचन में अवर सेल्फ्स होता है। अब चूंकि आप अकेले हैं तो योर सेल्फ आएगा, गाड़ी भी सेल्फ स्टार्ट होती है, गाड़ी खुद ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब निजवाचक, राइट, गाड़ी खुद, पहले किक मारना पड़ता था, अब पहले बात करूं धक्का ही मारना पड़ता था, राइट, लेकिन वो अभी निजवाचक हो गई है, खुद चालू कर लेती है, तो मैं खुद कर लूंगा, फाइन, अवर सेल्फ, हम लोग खुद कर लेंगे आपस में काम, योर सेल्फ, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, खुद पढ़ाई कीजिए, और आवर्स
yourselves मतलब F अलग करके VES self का VES किया, यानी आप लोग ज्यादा हैं तब के लिए। तो अगर पेपर में yourselves और yourself है तो आपको माइंड में डाउट नहीं रखना है कि self होता है कि selves होता है। आप अकेले हैं तो you और आप लोग ज्यादा हैं या दो हैं तो भी you, तो सिंगल है तो yourself हुआ और ज्यादा है तो yourselves हुआ। चलिए अब अगर बॉय है तो हिमसेल्फ और गर्ल है तो हरसेल्फ और निजी है तो इटसेल्फ और या कंडीशन होती है इट की बताऊंगा मैं आगे। और फिर देम सेल्फ मतलब वे खुद ही और वन सेल्फ एक खुद ही, राइट वन सेल्फ किसी के लिए भी आ गया। फिर है इम्फेटिक। अब इम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जनरली कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार रखे हैं तो कुछ रिफ्लेक्सिव को एम्फेटिक ही बोल देते हैं, बट हमें जानना ये कि पेपर में कैसे आते हैं और हमें यूज कैसे करना है, जो कि आगे अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में आप देखेंगे प्रोनाउन के कि कैसे क्वेश्चन में पिछले आए हैं और उन क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है और एरर में कहां हम चूक कर देते हैं हम ये देखेंगे। तो एम्फेसाइज में क्या होता है, दबाव सूचक सर्वनाम मतलब यू, देखो तुम करोगे तो यू का हो गया योर सेल्फ। तो सेंटेंस देखो ध्यान से, यू कॉमा योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल मतलब तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद से जिम्मेदार हो इसके प्रति, आपने किया है ये। He hurt himself. He ने उसने खुद को चोट पहुंचाई है, मतलब दबाव किस पे डाला जा रहा है यहां पे, आप पे नहीं, He ने खुद ने, तो himself, you ने किसने, खुद ने। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो यहां लग जाते हैं, बस कंडीशन थोड़ी बदल जाती है, जब दबाव डालना हो तब आता है, निजवाचक की बात अलग है थोड़ा सा। इनके बारे में एग्जाम में कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। आगे चलते हैं इनडेफिनाइट, नाम से समझ में आ रहा है अनिश्चित, निश्चित नहीं है जो, अनिश्चय एवरीबडी, भाई भगवान पिक्चर में गाना में अमिताभ बच्चन खुद गाना गाता है एवरीबॉडी शाबाश शाबाश इस तरह से, तो एवरीबॉडी कोई भी हो सकता है, एनीवन भाई एनीवन कैन डांस कोई भी डांस कर सकता है, एनीबॉडी कैन कमिट मिस्टेक गलती कोई भी कर सकता है, समवन कोई एक, अनिश्चित ऑल सब आप सब मेरी फैमिली हो, एनी कोई एक हो सकता है वो, तो ये अनिश्चित वाले। तो एवरीबॉडी किसी का नाम तो नहीं है, एनीवन समवन ऑल एनी किसी के नाम नहीं है, इसीलिए ये प्रोनाउन है। फिर है इंटरोगेटिव, जाहिर सी बात है इंटरोगेटिव में आपके सामने ये क्वेश्चन मार्क, वो जुदाई पिक्चर का ऊपर सवाल का क्वेश्चन मार्क जरूर आता होगा माइंड में कि हाँ क्वेश्चन करना, राइट। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु मतलब कौन, हेलो मिस्टर हु आर यू, तो तुम हो कौन, तुम्हारा नाम नहीं पूछा मैंने, राम हो तुम, तो हु आर यू मतलब क्वेश्चन मार्क, होम किससे काम है आपको, किसको किसको मिलना है, होम हुज किससे किसको, तो बिच कौन से, तो ये क्या बताते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, जैसे whose pen किसका पेन है, जैसे ही कुछ गिरता है हेलो एक्सक्यूज मी whose pen is this, मेरा बच्चा घूम जाता है whose baby is this, राइट right? तो